हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉल लेकर आई हूँ अगेन, बट ये हॉल थोड़ा सा अलग है बाकी सब से, क्योंकि इस बार मैं सरोजनी नगर गई थी और सरोजनी नगर से मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं विंटर शॉपिंग के। जैसे कि आपको पता, विंटर्स आ चुके हैं, सरोजनी नगर में इतने अच्छे विंटर के कपड़े आ रखे हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर और देखना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे। बस आपकी बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, बाकी अदरवाइज कपड़े बहुत अच्छे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत कुछ है मेरे पास। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ विंटर ड्रेस के साथ। वहाँ पे बहुत सारे विंटर के कपड़े थे, लाइक स्वेट शर्ट होंगी, हुडीज़ होंगे, और समर कलेक्शन भी था वहाँ। थोड़ा बहुत नेट वगैरह का फैब्रिक के कपड़े मिल रहे थे, टॉप मिल रहे थे, और उसके साथ साथ लोअर्स थे वहाँ पे, लोअर और विंटर के, थोड़े बहुत समर के भी थे, और बहुत कुछ था। स्टॉल्स भी मैंने इस बार देखे न्यू। और ये विंटर के मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट ड्रेस, ये है वो ड्रेस, ये है ऑरेंज कलर की, ये आपको रेड दिख रहा होगा बट ऑरेंज कलर की पूरी लॉन्ग ड्रेस है, देखेंगे यहाँ तक, ये मेरे नी तक आती है, आई थिंक नी तक ही आती है, स्लीव्स हैं ये, और बैक में ऐसा है, इसमें लिखा है कोको सॉन्ग, ये ब्रांड है, और सर्कल में नेक है, वी टाइप में नेक, और इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, इसमें पॉकेट्स है, वो भी दोनों तरफ, देखिए इस तरफ भी पॉकेट है, काफ़ी अच्छी पॉकेट है इसमें, और इस तरफ बहुत अच्छा है, बहुत वॉर्म है और सॉफ्ट है, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये मुझे मिला 250 का, बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 250 में पड़ा। मैं सरोजनी नगर में थोड़ा जल्दी चली गई थी जब मार्केट लगी रही थी, और उसके बाद बोनी का टाइम होता है इनका, तो उस समय आप अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आप जो प्राइस बोलेंगे वो उसमें दे देंगे, तो मैंने 250 में किया है। ये मुझे बहुत सुंदर लगी ड्रेस, बहुत अच्छी ड्रेस। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हाई नेक्स। वहाँ पर हाई नेक्स भी बहुत थे, बट ये लॉन्ग ड्रेस की तरह हाई नेक है, बहुत ही स्वीट सा कलर है, लाइक बहुत अच्छा कलर है, ग्रीन कलर का, ये देखिए ये पूरा लॉन्ग तक है, ये भी मेरे नी से थोड़ा सा ऊपर आता है, देखिए स्लीव्स इसकी ये इस करके हैं, दो कलर में है इसकी स्लीव्स, और हाई नेक में ऊपर की तरफ ये है, काफ़ी लॉन्ग है, और पीछे से बहुत अच्छा है, आप इसको ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं, और लेगिंग के साथ, वॉर्म लेगिंग के साथ, बूट्स के साथ पहनिए, बहुत प्रिटी लगेगा आप पे। और इसका हाफ हाई नेक को आप फोल्ड करके आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी मुझे स्लीव लगी, और ग्रीन कलर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। अगेन ये भी 250 का ही लिया है मैंने, बार्गेनिंग करी, और ये दोनों के दोनों सेम जगह से लिए हैं मैंने, ये दोनों सेम जगह से लिए हैं, 250 का मैंने लिया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, अगेन हाई नेक है ये, बट ये हाई नेक थोड़ा सा निटिन वर्क नहीं होता जो, जैसे कि बुना हुआ होगा वर्क वैसा है, पूरे बुना हुआ स्वेटर है ये देखिए, ये है पूरा हाई नेक में, और ये फुल स्लीव्स है, और बिल्कुल नीचे तक है, ये आपकी वेस्ट तक आएगा। इसमें जो काम किया गया है बहुत अच्छा काम किया है, डिज़ाइन देखिए आप, ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है यहाँ पे, बहुत अच्छा बुना हुआ है। अगेन ये भी मुझे 250 का मिला है, बार्गेनिंग करने के बाद, बहुत बार्गेनिंग करी उसके बाद मुझे मिला। और अगर आप सरोजनगर जाएंगे तो आपको बहुत कलर के वहाँ पे स्वेट शर्ट्स मिलेंगी और स्वेटर्स मिलेंगे, पिंक कलर के, नियॉन कलर्स के, और बहुत वैरायटी में है, ब्लैक, ग्रीन, हर कलर के हैं वहाँ पे। डेफिनेटली जाइए, और ऐसे टाइम जाइए जिसमें क्राउड कम हो। 250 का रहा। नेक्स्ट है जो मैंने स्वेटर पहना है,
स्वेटर नहीं बट ये आप स्वेटशर्ट बोल सकते हैं, काफ़ी पतला है बट इसका कपड़ा भी थोड़ा अलग है। आप देखेंगे ना इसमें थोड़े से इस तरह का भी मैंने कपड़ा मतलब ऊन देखा है, थोड़ा अलग है ये, थोड़ा सा चुभता है मुझे बट कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। स्लीव्स है और आपके मेरे ये वेस्ट तक आता है, देखें ये इसका सर्कल में गला है, ये सर्कल में है गला, बाकी बहुत सुंदर है और ब्राइट कलर है, बिल्कुल ब्राइट सा, बहुत प्रिटी लगता है, देखिए। नेक्स्ट अगेन स्वेटशर्ट है, पर इसको स्वेटशर्ट नहीं, एक तरह से टॉप कह सकते हैं आप, स्वेटर जैसा है बट ये गोल नेक में है इसका, इस पे भी वर्क बहुत अच्छा हो रखा है, लाइक बहुत अच्छा काम करवा रखा है। स्लीव्स हैं इसकी, है देखिए स्लीव्स हैं, और बैक से ये डिज़ाइन है, ये बैक है इसका और ये फ्रंट है, फ्रंट देखेंगे, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये भी मेरे वेस्ट से थोड़ा सा नीचे आता है पर ये बहुत सुंदर है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाले वर्क है, अगर आप इस तरह का लेते हैं तो आप इसके अंदर इनर या फिर थोड़ा वार्मर पहन सकते हैं ताकि आपको इसमें सर्दी ना लगे, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है, वर्क देखिए आप इसका कितना प्यारा वर्क है। स्वेटर्स अगर लूज हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और फिटेड बहुत कम पसंद आते हैं स्वेटर, लूज लूज अच्छे लगते हैं। अगेन ये भी 250 का था, लिटरली 250 का लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने वहाँ पे स्टॉल्स भी देखे, वॉर्म स्टॉल्स आ रखे थे वहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये है स्टॉल, देखिए ना लॉन्ग है ये, और इसकी चौड़ाई इतनी और लंबाई ये रही पूरा, आप इसको स्कार्फ की तरह ले सकते हैं, आपको अगर कोई सूट पहन रहे हो तो उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा, और आई थिंक ये डबल शेड में है, लाइक अगर आप इस तरफ से लेंगे तो अलग शेड आ रहा है और अगर आप इसको पलट के लेंगे तो अलग शेड आ रहा है ना, पिंक और रेड सा थोड़ा आ रहा है और इस वाले में पिंक शेड आ रहा है, पूरा पिंक है इस तरफ और इस तरफ थोड़ा सा रेडिश में आ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा फ़ायदा हो गया कि आप रिवर्सिबल भी पहन सकते हैं इसको दोनों तरफ से, और इसमें सिलाई में कोई वो नहीं है कि आपको लगे कि दोनों तरफ से उल्टा या कहीं दिख रहा हो, ये इसके साइड में ऐसे हैं, दोनों तरफ ऐसी है। ये मुझे इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, ये सर्कल में रखे रहते हैं वहाँ पे स्टॉल्स, वहाँ में से लिया है मैंने, आई थिंक वहाँ पे 100 या 200 कुछ लिखा था, इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतने का ही है, बट मुझे आइडिया नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मुझे कि कितने का प्राइस था इसका, बट ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है ये स्टॉल लेने में ना, किसी के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, और स्टॉल्स तो बहुत तरीके से आप वेयर कर सकते हैं। वहाँ पे श्रग भी बहुत अच्छे थे, लाइक वो स्वेटर जैसे थे और वॉर्म भी थे और कोट जैसी फीलिंग आ रही थी उनकी, तो मैंने वहाँ से एक श्रग टाइप कोट जैसा लिया है, बट ये बहुत वॉर्म है और बहुत अच्छा कलर है, देखिए कितना सुंदर है ये, और ये आप कोट की तरह पहन सकते हैं, आई थिंक ये कोट ही होगा बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए इस पे लिखा हुआ है एलिन ट्रेसी, तो देखिए आप इसके ये इसके कॉलर्स हैं और ये है इसकी स्लीव, और इसके साथ में इसके आगे पॉकेट्स हैं फ्रंट में, और ये देखिए लॉन्ग है, ये मेरे नी से थोड़ा नीचे आ रहा है बट ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें हुप भी लगे हैं, आप कोई भी बेल्ट लगा सकते हैं, ये देखिए हुप लगे हुए हैं, ये बैक है इसकी, पीछे से ऐसे कॉलर में है, इसमें अच्छी बात ये है कि इस पे जो बटन है इन्होंने बटन दे रखे हैं, बट आप इन बटन को देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो बटन है और इस तरफ भी बटन है, दोनों तरफ बटन है, आप इन बटन को ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, ये देखिए अब जब आप पहनेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आपको शो नहीं होंगे बाहर से बट ये बटन इस तरीके से लग जाएंगे, कितना सुंदर है ये,
बहुत प्यारा कलर है ये, ये ब्लू, नेवी ब्लू और ग्रीन सा, टील सा कलर है इसका, बहुत ब्यूटीफुल है, पहन के काफ़ी ज़्यादा वार्म लगता है। और आई थिंक इसको मैंने 300 में लिया था, 300 पूरे हॉल में, कोई भी चीज़ 300 से ऊपर की है ही नहीं, तो ये मुझे लग रहा है मैंने 300 का लिया था, क्योंकि ये कम नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने 300 में लिया है इसे। और आप भी इस तरह से अगर बार्गेनिंग करेंगे तो आपको भी इतने अच्छे अच्छे स्वेटर मिल सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये लॉन्ग बहुत सुंदर है। चलिए, मैंने दो लोवर लिए हैं, तो वॉर्म लोवर्स हैं, एक तो ये है लोवर, देखिए इसमें मून एंड क्लाउड्स बने हुए हैं, वाइट एंड ब्लैक स्टार्स बने हैं, बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है ये। और इसमें पॉकेट्स हैं अगेन, ये देखिए ये पॉकेट है इसमें दोनों तरफ, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग है और मुझे छोटा भी नहीं है और ना ही लंबा बड़ा, ये बहुत सही है, अच्छा है ये वॉर्म है। ये मुझे मिला आई थिंक ये है प्राइस 200 का, ये 200 का है, 200 का। और दूसरा जो है, ओ माय गॉड, ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए ये ग्रे कलर का है, क्यूट पांडा बने, सॉरी पेंगुइन बने हैं इसमें, क्यूट पेंगुइन बने हैं, उन्होंने टोपी पहन रखी है और थोड़े थोड़े वाइट वाइट से स्पॉट्स, और आई थिंक ये स्टार्स हैं, और इनमें भी पॉकेट्स हैं, देखिए ये उस वाले लोवर से थोड़ा सा मोटा है, तो अगर वो 200 का है तो ये 250 का होगा, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, बहुत अच्छा है ये, लॉन्ग है, देखिए अलग अलग शॉप से लिए थे मैंने, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत मोटा है, बहुत वॉर्म होगा आई थिंक, देखेंगे पूरा अच्छे से। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ घर में पहनने के लिए शूज़ लिए थे, स्लीपर्स कह सकते हो आप, वॉर्म वाले स्लीपर्स अपने लिए, अपनी मॉम के लिए। तो मैं सबसे पहले अपनी मॉम का दिखाती हूँ, वो ये हैं, ये देखिए बहुत अच्छे स्लीपर हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा वॉर्म रखते हैं अंदर, बहुत अच्छा कपड़ा है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा वार्म करते हैं, और ये इसमें स्पोर्ट्स लिखा हुआ है और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक है ये। ये मुझे मिला 200 का, नहीं 250 का, ये 250 का, आई थिंक ये 250 का है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने मंगाए अपने लिए वो ये है, क्यूट से बनी बनी टाइप बने हुए इसमें कान, और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्यूट है ये, इसमें थोड़े मोती लगे हुए हैं, और ये 300 का, इसके लिए तो मैं श्योर हूँ ये 300 का है, ऊपर से सॉफ्ट है और अंदर भी, इसको पहनने में पैर मेरे इतने गर्म हो जाते हैं, लिटरली बहुत गर्म होने लग जाते हैं, इससे सॉक्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा वार्म करते हैं पैरों को, बहुत सॉफ्ट है ये, और आई थिंक आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, अगर आप वहाँ जाओ तो वॉर्म शूज़ ज़रूर लेंगे, और ये घर पे पहनने के लिए तो मेरे कंफर्टेबल है, बाहर मैंने अभी ट्राई नहीं किया बट मेरे को घर के लिए ही चाहिए थे, ये ऐसे पीछे से दिखता है और ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ कुछ समर कलेक्शन भी था, बट वो कलेक्शन बहुत अलग था, लिटरली जो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर्स में देखे हैं, टॉप नेट वाले और स्कर्ट्स देखी है नेट वाली, वो सब वहाँ अवेलेबल थे, और वो भी इंस्टाग्राम स्टोर से काफ़ी कम रेट पे, तो वो समर कलेक्शन था, और मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सब ऑनलाइन देखते हैं और ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली रहते हैं समर कलेक्शन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऑनलाइन ज़रूर परचेज करनी थी, इवन मैंने ऑन इंस्टाग्राम में अपने कार्ट में डाली भी थी कि ये मैं ज़रूर परचेज करूँगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट टॉप है ये, यू कैन सी, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल टॉप है ये, इसमें नेट लगा हुआ है,
और ये आप इसको ऊपर करके भी ऐसे भी पहन सकते हैं और शोल्डर करके भी पहन सकते हैं। बहुत ही क्यूट है ये, यहाँ तक आपकी इतनी वेस्ट आएगी और वेस्ट के बाद अब वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर आएगा आपके यहाँ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपकी वेस्ट तक आएगा। तो थोड़ा सा वेस्ट से छोटा है टॉप, बट अगर आप हाई वेस्ट जीन्स पहनेंगे या लेगिंग पहनेंगे तो आई थिंक ये आप पे बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और इसके स्लीव्स देखिए आप, डबल उसमें है, नेट में है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका कलर, इसमें बहुत कलर्स थे और इसके साथ साथ और भी वहाँ वैरायटी थी। अगर आपको ट्रैक सूट वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल था, स्कर्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल थी। सरोजनगर के स्टार्टिंग में ही ये शॉप है, मुझे देखी और मुझे बहुत सुंदर लग गया है टॉप। मैंने ऑनलाइन भी देखा था और मुझे ऑनलाइन लेना था, लिटरली मुझे लेना था, और ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिले, अप्रॉक्स 250 का ही पड़ा है मुझे। उन्होंने मुझे 250 बोला, मैंने बोला ओके मैं इसको परचेज कर रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगा है, पहन के बहुत ब्यूटीफुल लगता है टॉप, बहुत सुंदर है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको कुछ ज्वेलरी आइटम मैंने लिया, मतलब एक सिंगल पीस लिया मैंने ज्वेलरी का, वो आपको दिखा। ये देखिए ये ज्वेलरी है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी। ये देखिए लॉन्ग नेकलेस नहीं था मेरे पास सिल्वर में, सारे शॉर्ट हैं मेरे पास। और इस बार मैंने सोचा, चोकर मैंने काफ़ी ले रखे हैं बट इस बार मैंने ये लिए हैं। ये भी आई थिंक 200 या 250 का ही था। अब इसमें देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्पेक्टिकल्स लिए हैं। ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हैं, देखिए इसमें लिए मैंने, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहे पर ये बहुत सुंदर लगता है फेस पे। आप जैसे इस लेंस, इस स्पेक्टिकल्स की ये खासियत है कि आप इसको, इसके जो लेंस है इसमें आप पावर वाले लेंस लगा सकते हैं और इसको कैसे भी वेयर कर सकते हैं, कैसे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही अच्छा है ये भी, ये मुझे 250 का ही मिला। ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर शेड्स थे वहाँ पे, और स्पेक्टिकल्स भी बहुत अच्छे थे और गॉगल्स भी बहुत अच्छे थे। तो आप अगर सूरजनगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट अपने थोड़ा सेफ्टी के लिए जाएं, वहाँ पे सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाएं, मास्क ज़रूर पहनकर जाएं, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे कम रहें क्योंकि वहाँ से फिर वायरस वगैरह फैल सकता है। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट बोलती है कि मार्केट एरिया में नहीं जाना चाहिए। मैं वीक डेज में गई थी, आई गेस ट्यूजडे वेडनेसडे गई थी मैं, पर उस समय भी भीड़ काफ़ी कम थी, क्राउड इतना था नहीं। 12 बजे के बाद अप्रोक्स आई थिंक 1 या 2 बजे के बाद क्राउड थोड़ा ज़्यादा आने लगा, तो मैं वहाँ से फिर चली गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने लग गया था। तो आप भी ऐसा कोशिश करें कि संडे या सैटरडे की जगह आप वीक डेज में ही जाएं ताकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड ना दिखे आपको और आप आराम से शॉपिंग कर सकें। मुझे भी आराम से शॉपिंग, मैंने दिन तक काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर ली थी क्योंकि क्राउड बहुत कम था। तो अगर आप जाएंगे तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। और मेट्रो वहाँ अवेलेबल है, मेट्रो से आप आराम से जा सकते हैं, और मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है लोगों का कि वो इजीली वहाँ पे मार्केट एरिया जा सकते हैं। और वहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए और ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है सूरजनगर। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं, पर जब क्राउड कम हो तभी जाएं, जब ज़्यादा हो तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।